हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों का, अलग अलग विभागों का, बोर्डों का, निगमों का, कॉलेज यूनिवर्सिटीज, जितनी भी हमारी कार्यकारिणियां हैं, जितने संगठन हैं, उन सब के जो कार्यकारिणियां जिन्होंने संयुक्त कर्मचारी महासंघ के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और विशेषकर मुझ पे और हीरालाल वर्मा जी पे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें हर वर्ग, हर पेंशनर, हर तरह के कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं और हम सबको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और हम निश्चित तौर पर भविष्य में जो है हर वर्ग की जितनी भी कर्मचारियों की जो मांगे है उसको हम सरकार से रख रहे हैं। हमने हाल ही में एक डिमांड चार्टर भी सरकार को दिया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम हाल में मिले हैं, तो जल्दी शायद हमें एक डिटेल जो है एक वार्ता का मौका मिलने वाला है जिसमें हम जो है जो ज्वलंत मुद्दे है हर वर्ग के कर्मचारियों के, पेंशनर के, उसको हम जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है चर्चा करके उसका कोई समाधान करने का प्रयास करने वाले। पेंशनर की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, ये स्वाभाविक है, जिनको जो मिलना होता है तो शायद उसके लिए जल्दी लग जाती है कि हमारे को समय पे कोई चीज नहीं मिल रही, क्योंकि एक रूटीन बना होता है कि भी इतने टाइम के बाद हमारे को फलाना डीए मिलना है या एरियर मिलना है, कुछ और हमारे को जो बेनिफिट मिलना है सरकार के द्वारा। इस वक्त थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि विलंब हुआ है, जिस तरह से आपने सचिवालय कर्मचारियों का विरोध देखा अभी हाल ही में, उस विरोध को तोड़ने के लिए हमने बड़ा प्रयास किया, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, कोई कर्मचारी संगठन बीच में पहल नहीं कर रहा था, तो एक बड़ा गतिरोध बन गया था उसमें। हालांकि आपने देखा होगा विधानसभा में भी एक विशेष बिल उसके खिलाफ पारित किया गया, उनकी एक्सप्लेनेशन तक हुई है, हालांकि एक नियमित प्रोसेस है, चलता रहता है, जब संगठन जो है वो विरोध करते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होते रहती है, तो उससे डरने वाली बात तो नहीं होती, पर लेकिन ये कि एक गतिरोध क्यों बना रहे प्रदेश के अंदर, इससे सरकार की छवि भी खराब होती है, मुख्यमंत्री की छवि भी खराब होती है, कर्मचारियों को भी अपने आप में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है और उसमें काम में भी सरकारी काम में बाधा आती है। तो हमने एक प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना, हम उनके बहुत बहुत आभारी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी हमारा मान सम्मान भी रखा, हमने पहल की, उन्होंने एक बात कही कि भाई आप उनके उनसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दो, हम वार्ता के लिए बुलाएंगे, वो सारा उन्होंने भी इस बात को माना, सचिवालय कर्मचारियों ने, हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं और मांग भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बहुत दूरदर्शी है, जल्दी उनको वार्ता के लिए बुलाएंगे, मुद्दे वही है जो आप पेंशनर की बात कर रहे हैं, वही पेंशनर भी चाह रहे हैं, वही नियमित कर्मचारी भी चाह रहे हैं, सबके कुछ ना कुछ मुद्दे हैं। मैंने कहा कि मुद्दे तो बहुत सारे रहेंगे, इन सब मुद्दों के ऊपर हम जो है जल्दी सरकार से वार्ता करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके बहुत बड़ी संख्या हमारे पास आज की डेट में इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ में है, तो हम सरकार से वार्ता करके डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिवाली के लिए हम जो है मुख्यमंत्री से जरूर तोहफा दिलाने की कोशिश करेंगे और उनकी भी ये सोच है कि दिवाली में, जिस तरह से भी आपने खबर पड़ी कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिवाली में कुछ तोहफा मिलने वाला है, मतलब डीए के रूप में कोई वृद्धि मिलने वाली, नई किस्त मिलेगी, तो निश्चित तौर पर हिमाचल में भी हालांकि स्थितियां ठीक नहीं है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं और ये प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कि दिवाली में जो है कुछ ना कुछ कर्मचारियों को अच्छी सौगात मिले ताकि सारी जो चर्चाएं चल रही है इस चर्चा पर विराम लग सके। ये नई जिम्मेवारी तो अभी हाल ही में हमारे को मिली है, हमने 2022 से संगठन बनाया संयुक्त कर्मचारी महासंघ। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने शिक्षक है, कई वर्ग मतलब 85,000 शिक्षक है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन सबका एक संगठन है जिसको हिमाचल राज्य अध्यापक संघ कहा जाता है, वो सभी कैटेगरी के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2013 से मैं इसका लगातार प्रधान हूँ, चौथी बार मुझे जिम्मेवारी यही हमीरपुर में मिली है। हमारे साथ जो जिला के बहुत ही जुझारू प्रधान है, आपने देखा होगा इनके हर गतिविधियों में अहम भूमिका रहती है, राजेश गौतम जी है, हमारे पास संदीप डढ़वाल जी बहुत ही वरिष्ठ साथी है, हमारे संगठन के बहुत पुराने साथी है, तो हम लगातार शिक्षा के ऊपर काम करते हैं और प्राथमिकता हमारी शिक्षा के क्षेत्र में रहती है। आपने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर क्या काम करें, शिक्षा की गुणवत्ता को बार बार हमारे शिक्षा मंत्री चिंतित है कि हम जो है 17-18 स्थान पर नीचे आ गए, हम दूसरे तीसरे स्थान पर, हम कहां केरला से कंप्लीट करते थे, आज वो स्थितियां नहीं रही है, बड़ी सारी चीजें आज शिक्षा के अंदर आ गई है। उसमें एक बात और आ रही है कि हमारे पास स्कूलों में जो है टीचर्स की इनरोलमेंट बहुत कम हो गई है, बहुत सारी वैकेंसियां 20,000 लग के आसपास लोगों वैकेंसियां खाली है, और वैकेंसियां खाली भी है पर लेकिन स्कूलों में बच्चे भी नहीं है, इस बात को भी हमें एडमिट करना चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट हमारी इतनी स्पीडली घटी है, उसका कारण यह है कि एक तो हमारे जो पेरेंट्स जो है अभिभावक जो है उनमें एक जो ऐसा कल्चर डेवलप हो गया कि अच्छे बच्चों को अच्छी प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन देने का एक ट्रेंड चलाया है, उसको तोड़ने के लिए हम सबको एक मैं मीडिया के बंधुओं से भी आह्वान करता हूँ, पूरे चौथा स्तंभ है कि आप भी इस चीज को हाईलाइट करें कि प्राइवेट स्कूलों में हो क्या रहा है, वहां शिक्षा का जो बेड़ा गर्क हो रहा है
वो बहुत बुरा हाल है, पर लेकिन फिर भी आज ये चीज सामने नहीं आती है। वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का प्रयास करते हैं, अच्छा दिखावा करते हैं, अच्छा मीडिया में जाके दिखाते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हमारे जो अभिभावक है बेचारे वो फंस जाते हैं उस जाल में, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे जो निकाल के उधर को ले जा रहे हैं। वो एक वजह हो गई हमारे स्कूल में बच्चे नहीं रहे, तो कई स्कूल ऐसे जहाँ तीन टीचर है, बच्चा है ही नहीं, एक या दो है, तो निश्चित तौर पर स्कूल बंद होने हैं। हमने भी कहा कि जहां बच्चे कम है वहां स्कूलों को बंद किया जाए, तो बहुत से स्कूल बंद भी हो गए। अब स्कूल कुछ और बंद हो रहे हैं, मिडिल स्कूल बंद हो गए, प्राइमरी और हाई और सेकेंडरी स्कूल भी बंद होने की तैयारी पे है। तो उसमें हमने एक बात कही थी अभी शिक्षा मंत्री से कि आपने 20 का जो क्राइटेरिया रखा है कि 20 जहां 20 बच्चे भी है वो भी बंद कर दिए जाएंगे, हमने बोला बहुत ज्यादा है, अब थोड़ा इसको कम कर दीजिए। एकदम से हम इतने स्कूल बंद कर देंगे तो एक बड़ा गलत मैसेज जो है प्रदेश के अंदर जाएगा, और इससे अच्छी छवि सरकार की नहीं जाएगी। अब माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस बात को माना, अब उन्होंने 20 की जगह 15 का क्राइटेरिया कर दिया कि अगर 20 हो गए तो हम बंद नहीं करेंगे, 15 और उससे कम है तो बंद करेंगे। पर उसमें भी मैं और ऐड करना चाह रहा हूं आप सब के माध्यम से कि ठीक है वो बंद होने हैं, होने भी चाहिए, पर लेकिन अगर इस सत्र में ये स्कूल बंद ना हो, मिड सत्र की बात कर रहा हूं, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगले शुरू सत्र से स्कूलों को बंद किया जाए, युक्तिकरण किया जाए। युक्तिकरण में हमारा कोई उसमें रोक नहीं है, जहां पे टीचर ज्यादा है बच्चे कम है उस टीचर को वहां भेजा जाए जहां पे जो है उनकी जरूरत है। पर जो मिड सेशन में हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं वहां बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, वहां टीचर जो है उसका भी सारा सेटअप खराब हो रहा है, उसको दूर जाना पड़ रहा है, या तो उस टीचर से चॉइस ली जाए बच्चे के, ये कोई समाधान सरकार करे तब तो इस स्थिति में हो सकता है। पर इसमें बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और एक और मैं क्वालिटी की बात कहूं जो है वो टीजीटी वर्क काम करता है, साइंस टीचर का बड़ा एक अहम रोल रहता है स्कूलों के अंदर। अभी उसमें एक हमारा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है जो बच्चे की प्रतिभा को चौमुखी विकास जिसको कह सकते हैं वो होता है, कि बच्चे को एक टैलेंट उसका बाहर निकलता है। तो अब उसमें भारत सरकार की तरफ से उसमें एक एड मिलती थी, उसमें एक ये जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता था उसमें फंडिंग होती थी, वो फंडिंग इस बार उसके ऊपर कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं। हालांकि मैं इसका नोडल अफसर भी हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टेट लेवल पे, तो अभी कोई गाइडलाइन कोई इस तरह की हमारे को सेंट्रल लेवल से कोई एक्टिविटी करने की नहीं आई है। तो अब मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं, मैं जल्दी ही माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को हम रख रहे हैं कि अगर भारत सरकार इसमें पहल नहीं करती है तो इस साल हमारी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, और ये बड़ा जरूरी है क्वालिटी बच्चों को निखारने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो स्टेट इसमें इनिशिएटिव ले, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको जो है आगे आए, और स्टेट गवर्नमेंट जो है फंडिंग करके जो इस एक्टिविटी को एटलीस्ट अगर क्वालिटी को बढ़ाना है, एक बच्चों को प्लेटफॉर्म साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए जो हमें इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पहल करके इसमें फंडिंग करनी पड़ेगी, और ये एक्टिविटी कंटिन्यू हो, और इसमें जो हमारे लोग लगे हैं साइंस सुपरवाइजर लगे हैं जैसे हमारे गौतम जी लगे हैं और लोग भी लगे हैं, बड़े जुझारू लोग लगे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, पर ये मेहनत तब करेंगे जब इनके पास कोई प्लान होगा काम करने के लिए। तो ये इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाह रहा था।